रायगढ़ केजी कॉलेज की पांचवें सेमेस्टर के छात्र विगत 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि यूनिवर्सिटी परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान जल्द करें। साथ ही छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा कराए जाने का विरोध करते हुए ऑनलाइन परीक्षा करवाने की भी मांग कर रहे हैं। रायगढ़ के केजी कॉलेज के पांचवें सेमेस्टर के छात्र विगत 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों की मांग है कि यूनिवर्सिटी परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान जल्द करें। साथ ही छात्रों ने ऑफलाइन मोड से परीक्षा कराए जाने का विरोध करते हुए परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने की मांग भी रखी है। अपनी इन्हीं मांगों को मनवाने पूर्व में भी छात्रों ने कुलपति के माध्यम से यूनिवर्सिटी को ज्ञापन दिया गया है, परंतु यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं आने की सूरत में छात्रों ने भूख हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया है। पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र शुक्रवार को कुलपति से मिलकर अपनी मांग रख रहे थे, तभी अनशनरत एक छात्र बेहोश होकर गिर पड़ा। छात्र के बेहोश होने की जानकारी मिलते ही छात्र नेता आरिफ हुसैन तत्काल पहुँचे, जहाँ वहाँ छात्र की तबीयत बिगड़ जाने के बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पर जमकर बिफरे। NSY के जिलाध्यक्ष आरिफ हुसैन अन्य पदाधिकारियों के साथ खुद भी जमीन पर बैठ गए और छात्रों के आंदोलन में साथ हो लिए कि जब तक महाविद्यालय छात्रों की मांग पूरी नहीं करता है वह धरने से नहीं उठेंगे। इधर महाविद्यालय की ओर से आए बयान के अनुसार कॉलेज प्रबंधन लगातार यूनिवर्सिटी से संपर्क बनाए हुए हैं। जो भी निर्णय है वह अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से ही लिया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ के सभी महाविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर एक बैठक रखी गई है। बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसी अनुसार परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। देखिए, KG कॉलेज के 5th सेम के जो छात्र हैं विगत 3 दिनों से यहाँ पे भूख हड़ताल पे यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर बैठे हुए थे, जिनमें से आज एक छात्र की सुबह हालत ख़राब हो गई, चक्कर आ गया, वो बेहोश हो गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ आए यूनिवर्सिटी प्रशासन से, हम लोगों ने बात की, लेकिन इनके द्वारा अभी तक कोई मजबूत आश्वासन या फिर किसी तरह का मजबूत जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और जब तक हमको मजबूत आश्वासन लिखित में हमको नहीं दिया जाएगा कि बच्चों के एग्ज़ाम कब होगी और किस प्रक्रिया में होगी, किस मोड में होगी, ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। KG महाविद्यालय के स्नातक के 5th सेमेस्टर के छात्र की परीक्षाएं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी है। उस संबंध में समय सारणी अभी इनकी डिक्लेयर नहीं हुई है और इनकी दूसरी मांग है कि परीक्षा को ऑनलाइन माध्यम से कराना चाहते हैं। इस संबंध में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से कंटिन्यूसली संपर्क किया जा रहा है और आज उनके यहाँ प्राचार्यों की बैठक है और आशा करते हैं कि आज इस संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा। बच्चों को हम बार बार समझाइश दे रहे हैं कि ना बैठें, ये प्रक्रिया चल रही है और इस पर शीघ्र निर्णय हो जाएगा और बच्चा ये था उसको हम लोगों ने ख्याल किया है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।